الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی الحی الذی لا یموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي ہاشمی المدنی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سنا گو پت پتا ہے خدا یا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میرے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن واجب الاحترام عزیزان گرامی آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ میں توکل کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے. توکل کہتے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا. اس آیت کریمہ میں وتوکل علی الحی الذی لا یموت کہ توکل کرو اس ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات پر جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ اس میں اشارہ کیا کہ توکل ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا نام نہیں بلکہ اسباب اختیار کر کے
अपने इरादे को अमली जामा पहना कर फिर उसका नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देना। फ़ैज़ा आज़मता फ़तवक्कल, जब तुम पक्का इरादा कर लो तो फिर तवक्कुल भी करो। इस दुनिया को जो अल्लाह ने बनाया और इस दुनिया में अल्लाह करीम ने इंसानों को बसाया और सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो उसी वक्त से इंसान को असबाब के साथ जोड़ दिया। अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये तग और दो करेगा, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, तो इसकी ज़रूरतें पूरी होगी। अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया, हाँ जन्नत को बग़ैर असबाब के अल्लाह ने बनाया। जन्नत में आपको मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, बाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, खेतियाँ और फसल उगाने के लिए बीज नहीं बोने पड़ेंगे, लिबास और दूसरी चीज़ों के लिए आपको परचेजिंग नहीं करनी पड़ेगी। वाला सब कुछ बग़ैर असबाब के देंगे। दुनिया में और जन्नत में फ़र्क ये है कि दुनिया को अल्लाह ने असबाब से जोड़ा और जन्नत को अल्लाह ने असबाब के बग़ैर बनाया। इसीलिए फरमाया फीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, जन्नत में वो मिलेगा जो जी चाहेगा। व तलज़्ज़ुल आयुन, और आँखों को कोई चीज़ अच्छी लगेगी। जी चाहेगा कि बटेर का गोश्त सामने हो, खुद ब खुद आ जाएगा, और खाने के बाद मैदे पर बोझ भी नहीं होगा और कज़ाए हाजत की ज़रूरत भी नहीं होगी और उसको ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा, पकाना भी नहीं पड़ेगा, प्लेटों को धोना भी नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अल्लाह पेश करेंगे। वलहुम फीहा मा तदऊन, जो पुकारोगे मिलेगा, और ऐसा कुछ मिलेगा ला आइनुन रात, आंखों ने देखा नहीं, वला उज़ुनुन समयत, कानों ने सुना नहीं, वला खतर आला कल्बी बशर, किसी के दिल पर उसका ख्याल तक ना गुजरा हो। वो चीज़ें मिलेगी, लेकिन दुनिया में असबाब को इख्तियार करना पड़ेगा। एक आदमी ये कहता है मेरा तो तवक्कुल बहुत है, मैं मेहनत मजदूरी नहीं करूँगा, दुकान नहीं जाऊँगा, फैक्ट्री नहीं जाऊँगा, बीज नहीं बोऊँगा, खेती नहीं करूँगा, खेती को पानी नहीं दूँगा, शादी नहीं करूँगा और मेरी ज़रूरतें खुद ब खुद पूरी हो जाए, मुझे तवक्कुल बहुत है, तो ये गलत है। इसीलिए कि इंसानों में सबसे ज़्यादा तवक्कुल अंबिया को हासिल है और अंबिया ने भी असबाब को इख्तियार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई और ख़ुद फरमाया कि उन बकरियां चराने के इवज़ मुझे इतनी उजरत मिली। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम के साथ मुआहिदा किया, 8 या 10 साल तक उनकी बकरियां चराई और अल्लाह ने तकरीबन अंबिया से बकरियां चराने का काम लिया। उसमें नुक्ता ये है कि बकरियां बज़ाहिर तो बड़ी आजिज़ मखलूक है, लेकिन इनमें इंतशार बहुत है, ये एक लाइन और एक रो में नहीं चलती,
ये इधर उधर निकल जाती है, उसको रेवड़ में लाओ तो दूसरी निकल गई, दूसरी को लाओ तो तीसरी निकल गई, इधर से लाओ तो इधर से निकल गई। तो बार बार जाना और बकरियों को लाना, और कमज़ोर मखलूकें ज़्यादा मार भी नहीं सकते, तो इससे तबीयत में नरमी आती है, एतदाल आता है, आजिज़ी आती है। चूँकि इन नबियों ने आगे चलकर इंसानों की रहबरी और रहनुमाई का काम करना है, एक एक इंसान की मिन्नत समाजत करके उसको अल्लाह के दर पे लाना है, उसको अल्लाह के सामने खड़ा करना है, उसको अल्लाह के सामने झुकाना है। तो ये उनकी ट्रेनिंग है, ये उनकी तरबियत है, ये उनकी प्रैक्टिस है, ये उनकी मश्क करवाई जा रही है। तो बताना मैं ये चाह रहा था कि इंसानों में सबसे आला दर्जे का तवक्कुल अंबिया को हासिल है, और अंबिया ने भी अपनी माश और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए असबाब को इख्तियार किया है। हाँ, उसका एक क्राइटेरिया है, हुदूद और कयूद है। ऐसा नहीं कि दुनिया के पीछे पड़कर अल्लाह ही को भूल जाओ और वो सारी मेहनत अपने खाते में डाल लो। नहीं, नतीजे में अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना है। भाई, कारून को कहा गया कि तुम्हारे पास इतना माल है और ये तुम्हें खालिक और मालिक ने दिया है, तो तुम तकब्बुर न करो। तो उसने कहा, ऊती तुहु वाला इल्म नहीं दी, ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया। आजकल भी हम लोग गैर महसूस तरीके पर इस तरह के जुमले बोलते हैं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये मेरी दिन रात की कमाई है, ये मेरी 40 साल सर्विस की कमाई है, इसके लिए मैंने खून पसीना एक किया, इसके लिए मैंने बड़े पापड़ बेले, इसके लिए मैंने कई रातों को नींद कुर्बान की, इसके लिए मैंने धूप की तमाजत को बर्दाश्त किया, इसके लिए मैंने हवाओं के थपेड़े बर्दाश्त किए, इसके लिए मैंने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया, इसके लिए मैंने अपने आराम को छोड़ा। ये जुमले हम कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। आपसे ज़्यादा काबिल लोग, आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग, लेकिन उनके पास इतना माल नहीं। मालूम ये हुआ कि ये सिर्फ मेहनत पर नहीं होता, ये उसकी देन और उसकी अता है। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि सबसे बड़े दर्जे का तवक्कुल अंबिया को हासिल था, लेकिन अंबिया ने भी असबाब को इख्तियार किया है। अलबत्ता इसमें तवाज़ुन हो। कुछ लोग कहते जी मईशत के बगैर गाड़ी कैसे चलेगी, दुकान बंद होगी तो निज़ाम कैसे चलेगा। ऐसा नहीं है। और कुछ लोग कहते नहीं, कुछ करना ही नहीं है, तवाज़ुन हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कभी कोई मुस्तहिक आता, आप देखते वाकई मुस्तहिक है, माजूर है, काम काज के काबिल नहीं है, आप उसकी मदद फरमाते। लेकिन अगर कोई आदमी आता सेहतमंद है, जवान है, मजदूरी के काबिल है, आप उसको पैसे नहीं देते, आप उसको कहते मेहनत मजदूरी करो, खुद कमाओ। एक शख्स आता है और कहते है जी ज़रूरतमंद हूँ, आपने फरमाया तुम सेहतमंद हो, मजदूरी करो, कारोबार करो। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं। आपने फरमाया कुछ भी नहीं, कहा घर में एक लकड़ी का प्याला है। आपने फरमाया वो ले आओ। वो लेकर आया, आपने पूछा ये लकड़ी का प्याला कौन खरीदेगा।
एक सहाबी ने कहा मैं एक दिरहम में खरीदूंगा, आपने कहा कोई और, दूसरे ने कहा मैं डेढ़ दिरहम में खरीदूंगा, आपने पूछा कोई और, एक ने कहा मैं दो दिरहम में खरीदूंगा, आपने वो प्याला उसको बेचा उस आदमी का, दो दिरहम लेकर उसको दिए, का जाओ कुल्हाड़ी का फल लेकर आओ जो लोहे का होता है, वो खरीद कर लाया, आपने अपने हाथ से लकड़ी का दस्ता उसमें लगाया, का जंगल जाओ लकड़ियां काट कर बेचो और कुछ दिन बाद मेरे पास आना। वो चला गया, कुछ दिन बाद आया, आपने पूछा क्या हालात हैं, कहने लगा घर में खजूरें भी हैं और घर में गंदम भी है और थोड़े से बर्तन भी हैं, ज़रूरत पूरी हो रही है। आपने पूछा ये हालत बेहतर है या वो वाली बेहतर थी। तो ये तवक्कुल के माना को हम समझें। एक मेहमान आता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, जब कोई दूर से मेहमान आता तो आप पूछते भाई कहाँ से आए हो, फला जगह से आए हो, किस पर आए हो, सवारी पर आए हो, सवारी कहाँ खड़ी की, यानी आजकल के ज़माने में गाड़ी कहाँ पर पार्क की, ये भी एक मसला है। लोग गलत जगह पर गाड़ी पार्क करते हैं, घर के सामने पार्क करते हैं, मस्जिद के दरवाजे पर पार्क कर देते हैं, किसी की दुकान के सामने पार्क कर देते हैं, मेन रोड पर गाड़ी पार्क कर देते हैं, ये भी एक गुनाह है। और रोड को पार्किंग बनाकर उसकी फीस भी लेते हैं, ये भी हलाल नहीं है। ये रोड गवर्नमेंट का है, इस पर आवाम का हक है, गाड़ी चलाने का हक है, पार्किंग का हक नहीं है। इस तरह के ढेर सारे गुनाहों को तो हम गुनाह ही नहीं समझते। घर बनाते हुए 2 फीट घर की दीवार आगे कर देना, ये इज्तिमाई गुनाह है। इस रास्ते पर सारी आवाम का हक था जिस पर आपने डाका मारा है, आपसे पूछोगी। एक है किसी की जाती जगह को कब्जा करना, वो छोटा गुनाह है। एक है पूरी आवाम की, रियासत की इज्तिमाई जगह को कब्जा करना, ये बड़ा गुनाह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते सवारी को कहाँ बांधा है, सही जगह पर बांधा या नहीं। फिर आप पूछते कि भाई इसको खाना कौन खिलाएगा, इसकी रिहाइश का इंतज़ाम कौन करेगा। तो आपने उस मेहमान से पूछा कहाँ से आए हो, फला जगह से, किस पर आए हो, सवारी पर आया हूँ। कहा सवारी को सही तरीके से बांध लिया, ऊंट या जानवर, उसने कहा नहीं मैंने तो बांधा नहीं है, तवक्कुल करके आया हूं, खुला छोड़कर आया हूं। कोई जो है अपनी गाड़ी को लॉक न करे और चाबी भी उसमें रहने दे और कहे जी बस मुझे अल्लाह की जात पर तवक्कुल है, तो उसने कहा मैंने सवारी को बांधा नहीं है, मैं तवक्कुल करके खुला छोड़ आया हूं। आपने फरमाया जाओ पहले उसको बांधो महफूज जगह पर, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो, ये तवक्कुल नहीं है। तो हम दीनी मामलात में एतदाल और तवाजुन के साथ चले, अपनी अकल और लॉजिक को इस्तेमाल न करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सफ़र में है, नजद एक इलाका है उसके अतराफ में सफ़र था, तो दोपहर को केलूले और आराम के लिए सहाबा लेट गए। आप थोड़ा सा हटकर एक दरख्त के नीचे लेटे और अपनी तलवार को लटका लिया, तो जब आपकी आंख लग गई तो एक देहाती कहीं से आया और उसने आका की तलवार को पकड़ा और आका के सिरहाने खड़े होकर ज़ोर से कहा अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। आका की जब आंख खुली
تو آقا مسکرائے, اطمینان کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل کے ساتھ کہا اللہ بچائے گا. اس نے کہا کون بچائے گا؟ کہا اللہ بچائے گا. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا, یعنی عام آدمی بھی اعتماد کے ساتھ دل کی گہرائی سے اللہ کا نام لے, اس کا اثر ہوتا ہے, دشمنوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے, ہیبت بیٹھ جاتی ہے, ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے, ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. یہ مجاہدین جب جہاد میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتے ہیں تو دشمن کا دل لرزہ اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو جب اللہ کا نام لیا جائے, دل سے لیا جائے, اور لینے والے بھی دونوں جہانوں کے سردار ہو, تو اس نے جب پوچھا کون بچائے گا, آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, آپ نے فوراً تلوار پکڑی, کہا اب بتاؤ, چونکہ تم تو اللہ کو نہیں مانتے, تمہیں کون بچائے گا؟ کافر اور مسلمان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسباب کافر بھی اختیار کرتا ہے, مسلمان بھی اختیار کرتا ہے. اسلحہ اور ٹیکنالوجی کی محنت کافر بھی کرے گا, مسلمان بھی کرے گا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کافروں کے خلاف اپنی قوت کو جمع کرو, تیار کرو. قوت کا لفظ کہا, تلوار کا نہیں, کہ جس زمانے میں کافر کے پاس جو ٹیکنالوجی ہوگی تم بھی اس کے مقابلے کی ٹیکنالوجی لاؤ. پہلے ان کے پاس تلوار تھی تو یہاں بھی تلوار, پھر ان کے پاس بندوق تو یہاں بھی بندوق, وہاں پر ٹینک تو یہاں بھی ٹینک, وہاں پر میزائل تو یہاں بھی میزائل, وہاں پر جیٹ طیارے تو یہاں بھی جیٹ طیارے, وہاں پر اگر ایٹم بم تو یہاں بھی ایٹم بم. یہ شریعت کا حکم ہے, ٹیکنالوجی حاصل کرنا ضروری ہے کافر پر اپنی داغ بٹھانے کے لیے. لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ فرق یہاں آتا ہے کہ کافر کی ٹوٹل نظر, اس کا فوکس اور اس کا کنسنٹریشن اسی ٹیکنالوجی پر ہوتا ہے, اور مسلمان کی اصل نظر اللہ کی ذات پر ہوتی. مسلمان کہتا ہے اللہ کی مدد ہوگی تو ٹیکنالوجی کام آئے گی, اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو ٹیکنالوجی بھی کچھ کام نہیں آئے گی. ابھی ہمارے پڑوس میں ہی افغانستان میں پوری دنیا کا کفر سپر پاور, ٹیکنالوجی کا بے تاج بادشاہ پوری قوت کے ساتھ آیا, اور دوسری طرف مجاہدین کے پاس معمولی درجے کا اسلحہ, ان کے مقابلے کی ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن نظر اللہ کی ذات پر تھی, تو اللہ نے فتح کر کے دکھائی. اسی لیے مسلمان اور کافر میں یہاں پر ایک بارڈر ہے کہ اس کی ٹوٹل نگاہ اسی اسلحے پر, اور مسلمان کی نظر اس وقت اللہ کی ذات پر ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں کہا اللہ بچائے گا, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی گری, آقا نے فوراً اٹھا کر کہا بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس کے پاس تو اللہ نہیں تھا. ایک جنگ میں جب کافروں کی طرف سے نعرہ لگا لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس تو عزا بوتے جس کو وہ اپنا خدا کہتے تھے, تمہارے پاس عزا نہیں, تو مسلمانوں کی طرف سے نعرہ ریپلائی میں جواب ملا لنا مولا ولا مولا لکم, ہمارے پاس اللہ ہے تمہارے پاس اللہ نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا کہ مسلمان کے پاس تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے سامنے کافر کی ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے, ایک بیت اللہ, ایک کتاب اللہ, اور ایک رسول اللہ. اللہ کا گھر, اللہ کی کتاب, اللہ کا رسول, جب اس پر ہمارا اعتماد ہوگا, توکل ہوگا, تو دنیا کفر مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی.
लेकिन ये जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि असबाब इख्तियार किए जितनी जंगों में आका निकले, तो पहले मालूमात की काफिरों की तादाद कितनी है, उनके पास असला कितना है, मौसम कैसा है जहाँ लड़ने जा रहे हैं, तुम्हारे पास खाने पीने का सामान कितना है, जुग्राफियाई तौर पर उस इलाके का खदोखाल क्या है, तलवारें कितनी हैं, घुड़सवार कौन अच्छा है, नेज़ेबाजी में कौन मशहूर है, तीरंदाजी में कौन मशहूर है, निशाना पक्का है, तलवार कौन अच्छी चला सकता है, फ्रंट लाइन पर कौन कैसे लड़ेगा, ये मालूमात करते थे। और मालूमात करने के बाद पूरी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी तय होकर फिर जंग होती थी। ऐसा नहीं होता था कि बस जंग है और अल्लाह पर तवक्कुल करके निकलो। ये मुसलमानों को बताया जा रहा है कि आपने असबाब इख्तियार करके नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देना है। गारे सौर में क्या हुआ, जब आप हिजरत के लिए निकलने लगे, काफिरों ने घर का मुआसरा किया हुआ है, कत्ल करने की साजिश करके आए हैं, सारे कबीलों का एका हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाया। चूँकि काफिर वो सुराख से देख रहे थे, झरोकों से देख रहे थे टाइम टू टाइम कि ये कब उठेंगे, बाहर आएंगे, हम इन्हें जो है वो शहीद कर देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाया कि वो देखते थे कि जी बिस्तर पर तो कोई सोया हुआ है, अभी उठा नहीं है, और आका दूसरे दरवाजे से दुआ पढ़ते हुए निकल गए। तो ये भी असबाब इख्तियार किए। फिर हिजरत से पहले आपने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को कहा सवारी का इंतज़ाम करो, और उनकी बेटी ने खाने का और तोशे का इंतज़ाम किया, और एक गाइड जो वहाँ के जोग्राफियाई बैकग्राउंड से वाकिफ था कि कौन सा रास्ता शॉर्टकट है, कौन सा रास्ता काफिरों से महफूज है, एक गाइड का इंतज़ाम किया। हिजरत भी डायरेक्ट ऐसे नहीं की, असबाब इख्तियार किए। हज़रत अली को कहा आपने यहाँ सो जाना है ताकि ये समझे हम अभी निकले नहीं है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला को कहा सवारी का इंतज़ाम करना है। उनकी बेटी ने खाने का इंतज़ाम किया, उनके ग़ुलाम ने गाइड का किरदार अदा किया। इन तमाम असबाब को इख्तियार करने के बाद जब आप गारे सौर में गए, काफिर पीछा करते करते करीब आ गए, और जो गारे सौर में गया है उसको अंदाज़ा होगा कि जब आप अंदर जाएंगे तो जो बाहर खड़ा हुआ आदमी होगा उसके पांव नज़र आएंगे। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को उनके पांव नज़र आने लगे, तो फिक्रमंद हो गए। अल्लाह के रसूल की फिक्र थी कि कहीं आका को नुकसान न पहुंच जाए। तो कहा आका अगर इनमें से कोई आदमी झुक कर देखेगा हम नज़र आ जाएंगे। अब इस मौके पर असबाब तो इख्तियार किए हुए थे, यहाँ पर आपने तवक्कुल का सबूत दिया, फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है, तुम्हारा क्या गुमान है उन दो के बारे में जिनके साथ तीसरा अल्लाह। ऐसा एतमाद और तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर आ जाए। फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जिसने अल्लाह पर तवक्कुल किया अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो गया। अल्लाह ऐसे रिज़िक देगा जैसे परिंदों को रिज़िक देता है, वो सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं पेट खाली होता है, शाम को लौटते हैं पेट भरा हुआ होता है। एक दिन भी कोई परिंदा अपने साथ शॉपर में कल के लिए राशन लेकर नहीं आया कि ये कल काम आएगा, बस आज के लिए अल्लाह ही काफ़ी है, कल के लिए भी अल्लाह ही काफ़ी है। आज गरीब आदमी के घर में 20 दिन का राशन पड़ा होता है, ऐसा है या नहीं? हम ये नहीं कहते कि राशन ना लाओ,
लेकिन तवक्कुल, हमें पता चल जाए चीनी शॉर्ट होने वाली है, चीनी की किल्लत होने वाली है, जिसके घर में 2 किलो लगती है वो कहता है 10 किलो ले आओ, कम ना हो जाए। अगर इस मौके पर ये हो जाए कि भाई मैं इस्तेमाल कम कर लूं, मेरे साथ वाले की ज़रूरत पूरी हो जाए, युसिरून अला अनफसहिम वलव कान बिहिम खसासा, सहाबा ने यही तो कुर्बानियाँ दी कि अल्लाह ने कुरान में उनके तस्किरे किए, उनकी तारीफ की। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, एक सहाबी घर ले गए, घरवाली से पूछा खाने का क्या इंतज़ाम है, का थोड़ा सा है, सिर्फ बच्चों का गुजारा हो जाएगा, तेरे मेरे लिए भी ना काफ़ी है। वो फरमाने लगे बच्चों को बहलाकर सुला दो किसी तरह, और तुम खाना मेहमान के सामने रख देना, और चराग को ठीक करने के बहाने उसकी बत्ती बुझा देना, अंधेरा हो जाएगा, मेहमान खाता रहेगा, मैं मुंह चबाता रहूंगा, उसका पेट भर जाएगा, इसलिए कि अगर मैं भी साथ खाऊंगा तो फिर तो उसका पेट नहीं भरेगा। अब इसी तरह किया, सारी रात शोहर भी भूखा, बीवी भी भूखी, और बच्चे भी भूखे सोए, और अल्लाह के रसूल के जो मेहमान थे उनका पेट भर गया। अल्लाह ने वही नाजिल की, युसिरून अला अनफसहिम वलव कान बिहिम खसासा, अपने नफ्सों पर औरों को तरजीह देते हैं, खुद फाके में हैं औरों को खिलाए। गालिबन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़िया है, एक रोटी बनती है बड़ी मुश्किल से, और ऐन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है, कौन? मिस्कीन हूं, अल्लाह के नाम पर रोटी दे दो, दे दी। दूसरी रोटी पकती है या दूसरे दिन या उसी दिन, ऐन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है, कौन? यतीम हूं, अल्लाह के नाम पर रोटी दे दो, दे दी। फिर रोटी पकती है, ऐन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है, कौन? कैदी हूँ, अल्लाह के नाम पर रोटी दे दो, दे दी। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की, युतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनौ व यतीमौ व असीरा, वो लोग खुद ज़रूरत हैं, खुद फाका हैं, खुद भूख हैं, उसके बावजूद कभी मिस्कीन को, कभी यतीम को, और कभी कैदी को खिला रहे हैं। और फिर ये भी कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो अल्लाह की रजा के लिए खिलाने वाले हैं। इसीलिए जब जहन्नम में जहन्नमी जाएंगे तो उनसे सवाल होगा, मा सलककुम फी सकर, अरे भाई कौन सी चीज तुम्हें जहन्नम में ले आई? जाहिर सी बात है, शराब पीना, जिना करना, कत्ल करना, रिश्वत लेना, सूद का लेन देन करना, मिलावट करना, झूठी कस्में खाना, ऐब छुपाकर माल बेचना, हसद करना, बोगस करना, बदनजरी करना, ये बहुत सारी चीज़ें जहन्नम में ले जाने का सबब बनती हैं। लेकिन इस मौके पर जहन्नमी क्या कहेगा? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम खाना नहीं खिलाते थे, वकुन्ना नखूज़ु मल खाइज़ीन, हम दीन में अपनी तरफ से तुक्के लगाते थे, ये मसला ऐसा है, वो मसला ऐसा है, ये आलिम ठीक है, वो आलिम गलत है, ये बयान सही हुआ, वो बयान गलत हुआ, अपनी तरफ से दीन में अटकल, अंदाजे और तुक्के लगाना। फरमाए इस वजह से आज हम जहन्नम में। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर तवक्कुल की मिसाल दी, जब मुनाफिकीन मुसलमानों को डराते थे, अरे तुम जो जंग करने जा रहे हो, काफिरों की तादाद बहुत है, उनके पास असलहा बहुत है, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनके पास इक्विपमेंट ज़्यादा है,
तुम नहीं लड़ सकते, तुम हार जाओगे। तुम्हारे हौसले पस्त करने के लिए जब वो ये बातें करेंगे, सहाबा से भी जब ऐसे कहा गया, फजादहुम ईमाना, उनके हौसले पस्त नहीं हुए और बुलंद हुए, ईमान का लेवल बढ़ा और कहने लगे हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी और बेहतरीन वकील और कारसाज है। यही जुमला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, उस मौके पर आग में गिरने से पहले इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जो आखिरी जुमला कहा था, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी और बेहतरीन कारसाज है। आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कैसे आएगा? जब ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजरेगा, जब ज़्यादा वक्त मदरसे में गुजरेगा, जब ज़्यादा वक्त खानकाओं में गुजरेगा, जब ज़्यादा वक्त तबलीग में गुजरेगा, जब ज़्यादा वक्त जिहाद में गुजरेगा, जब ज़्यादा वक्त अल्लाह के ज़िक्र में गुजरेगा, जब ज़्यादा वक्त कुरान के दरसों में गुजरेगा, जब ज़्यादा वक्त हदीस सुनने में गुजरेगा, जब ज़्यादा वक्त मसनून दुआएं पढ़ने में गुजरेगा, जब ज़्यादा वक्त खानकाहों में गुजरेगा, जब ज़्यादा वक्त अल्लाह वालों की सोहबत में गुजरेगा, जब ज़्यादा वक्त दीनी किताबें पढ़ने पढ़ाने में गुजरेगा, तब ये आएगा। अगर हम फेसबुक गूगल पर अपनी सारी तवानाइयां और सारे कीमती औकात लगा देंगे, फिर तवक्कुल नहीं बढ़ेगा। हर वक्त ये डर आएगा कि भाई महंगाई हो गई तो मर जाओगे, और दुश्मन ने हमला कर दिया तो मिट जाओगे, और ये दुकान अगर जल्दी बंद की तो फिर तो जो है घर का निज़ाम नहीं चलेगा। मैंने पिछले जुम्मे भी कहा था, जुम्मे के दिन पहली अजान के बाद कारोबार करना हराम है। आप ज़रा अगले जुम्मे को गौर करें, जुम्मे की पहली अजानों के बाद दुकानें खुली हुई, होटल खुले हुए, गाड़ियां रोडों पर चल रही है, पता नहीं चलता जुम्मे का दिन है। मुसलमानों के लिए ईद की तरह वैल्यूएबल दिन है। इस दिन को अल्लाह ने इबादत के लिए खास किया। यहूदियों का मजहबी दिन हफ्ता था, वहाँ हफ्ते को सन्नाटा होता है। ईसाइयों का मजहबी इबादत का दिन इतवार था, इतवार को सन्नाटा होता है। लेकिन मुसलमानों का मजहबी दिन जुम्मा था, जुम्मे की बेहतरीन इबादत और नमाज थी, लेकिन ऐसा माहौल डिज़ाइन किया गया कि पता ही नहीं चलता है मुसलमानों की इबादत का दिन। मस्जिदों के अतराफ में दुकानें खुली हुई है, और ये मसला फिर मैं बता रहा हूं, जुम्मे के दिन जुम्मे की पहली अजान के बाद कारोबार हराम है। फसाऊ इला जिक्रिल्लाही वजरुल बई, 28वां पारा सूरतुल जुम्मा, अमर के सीगे इस्तेमाल किए गए, दौड़ लगाओ अल्लाह के जिक्र और नमाज की तरफ, भागो, छोड़ दो खरीद और फरोख्त को, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। तवक्कुल तो इसी का नाम है। अजान हो गई, अब आपने कस्टमर को कहना है भैया जुम्मे के अलावा अजान की बात भी है, आप इंतज़ार कर ले मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। भाई बेतुल्ला में हम तवाफ़ करते हैं, कितनी बड़ी इबादत है, कितनी बढ़िया इबादत है, लेकिन जब नमाज का वक्त होता है तवाफ़ होता है? नमाज का वक्त होता है तवाफ़ रुक जाता है, तवाफ़ रुक जाता है। हमारी गाड़ी नहीं रुकती, हमारी बातें नहीं रुकती, हमारी नज़रें नहीं झुकती, हमारे कान बंद नहीं होते, हमारे हाथ हरकत नहीं छोड़ते, हमारी दुकान का शटर नीचे नहीं होता, हमारी डीलिंग जारी और सारी है, खरीद और फरोख्त हो रही है, लेन देन हो रहा है, बे और शरा हो रहा है। ये वो मुसलमान है जो बाहर जाकर नारे लगाता है गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। ये वो मुसलमान,
تو میرے محترم دوستو بھائیو بزرگو، کہنے کا مقصد یہ ہے ہم توکل کے معنی کو بھی سمجھیں، اللہ کی ذات پر ہمارا پورا اعتماد پورا بھروسہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.